यही वो पल था जब सबका दिमाग घूम गया। और आप इंस्टाग्राम पे बिटकॉइन की स्टोरी क्यों डाल रहे हो? सुबह से कुछ अजीब हो रहा है। अब फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स को भी टारगेट किया जा रहा था। अप्रैल 2023 रात के 2:19 मेरे ऑफिस में पड़ा यह पीसी अपने आप चालू हो जाता है। चेयर पर कोई नहीं बैठा था लेकिन पीसी पर कोई काम कर रहा था। नई नई विंडोज खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। गूगल क्रोम की न्यू टैब्स खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। लेकिन कैसे, वो भी बिना किसी बंदे की मौजूदगी के दौरान? यह सब कौन कर रहा था? आई डोंट नो। लेकिन जब हमें यह पता चला कि यह सब कौन कर रहा है तो एक बार के लिए हम सबके गले सूख गए। अगला दिन 9 अप्रैल 2023 सुबह के 4:58 एक अननोन नंबर से मेरे मैनेजर के फोन की घंटी बजती है। भाई साहब नींद में थे तो कॉल नहीं उठाया। 4:59 फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है लेकिन इस बार मैनेजर फोन को उठा लेता है। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर रवि जी, माय नेम इज अनिकेत, मैं फिर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कर रही सर। आई एम सॉरी अनिकेत जी, बट प्लीज मुझे 10 के बाद फोन करिए। सर आप एक बार प्लीज बदमाश आइकन चैनल एक बार चेक करके देखिए। सर अभी मैं सो रहा हूँ, उठ के देखूंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मेरे बड़े भाई अमरेंद्र को मेरे मैनेजर का कॉल आता है। हेलो सर, हमारे बदमाश आइकन चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट कर रहा है। Our channel has been hijacked by hackers. नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन सिर्फ हमारा चैनल हैक नहीं हुआ था, और भी कुछ हुआ था। हमारे बंगले का पूरा होम नेटवर्क हैकर के कंट्रोल में था। घर के स्मार्ट स्विचेस, सीसीटीवी, अलेक्सा, घर की इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलने वाले सारे स्मार्ट उपकरण, सब कुछ उस कमीने हैकर के कंट्रोल में था। उन्हें पता था सब सोए हुए हैं। शायद उन्हें यह भी पता था कि मैं उस रात क्या कर रहा हूं। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि चैनल को बचाएं या घर को। मैंने अपना चैनल हैक होने के बाद इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं डाली, उसका एक रीजन था। हमें सब कुछ कंट्रोल करने और सब कुछ समझने में इतना ज्यादा वक्त लग गया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ख्याल भी हमारे मन से निकल गया। छह अप्रैल 2023 मैंने अपने छोटे भाई यानी आपके बदमाश आइकन भाई से कहा, तुमने काफी टाइम से डार्क वेब पर वीडियो नहीं बनाई, 2 बीत गए हैं, अब समय आ गया है इसका पार्ट 2 निकालने का। तो हम दोनों लग गए रिसर्च करने। हम रिसर्च के दौरान कई ब्राउजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एज, गूगल क्रोम और टोर ब्राउजर भी इस लिस्ट में शामिल था। टोर ब्राउजर क्यों? ताकि हम थोड़ा डिटेल में जा सके। हम एक ऐसी वीडियो बनाना चाहते थे जो सबसे अलग हो, बिकॉज हम जब भी यूट्यूब पर डार्क वेब की वीडियो सर्च करते थे तो हमें हमेशा बच्चों वाला कंटेंट दिखता था। वही घिसी पिटी बातें, रेड रूम, इलीगल एक्टिविटीज, हैकर जोकर और डार्क वेबसाइट वगैरह वगैरह, या कुछ अजीबो गरीब सी वीडियो दिखा दी फलाना ढिमकाना, वही घिसी पिटी स्टोरीज, बच्चों वाला कंटेंट। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसे देख आपका गला सूख जाए। तो भाई लोग, मैं इन डार्क चीजों पर रिसर्च करने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो फिर वही बच्चों वाला कंटेंट बनता। तो मैंने क्रोम को अवॉइड किया और यूज किया हैकर्स का मन पसंदीदा ब्राउजर टॉर ब्राउजर, ताकि रिसर्च के दौरान मैं अनोनिमस हो सकूं। हाँ, गूगल क्रोम में मैं VPN का यूज करके IP रोटेट कर सकता था, लेकिन क्रोम में लगे थे अपने अकाउंट्स और मेरा पर्सनल डेटा भी मौजूद था, तो फालतू में लफड़े में क्यों पड़ना जब क्रोम एक सेफ ब्राउजर है ही नहीं। तो टोर ब्राउजर ऑन द टॉप, लेकिन वहम में मत रहना कि टोर ब्राउजर एक सेफ ब्राउजर है। टोर को शौक से यूज करो लेकिन उसके सेफ होने की गलत फहमी कभी मत पालना। कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना आपके IP एड्रेस का दिवाला निकल जाएगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। रिसर्च के दौरान हमने टोर ब्राउजर से काफी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जो कि गलत है, लेकिन भाई हम में थी चुल, तो हमने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और रिसर्च आगे बढ़ती गई। आगे चलकर हमें एक और डॉक्यूमेंट दिखता है जिसे डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम उसे ब्राउजर के अंदर से ओपन कर सकते थे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो आगे से निर्देश आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको यह डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो अपने कीबोर्ड पर F4 बटन को प्रेस करो।
हाँ उस वक्त मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। मैंने अपने भाई को कहा रहने दो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन ब्रदर ने कहा कि एक बार देख लेते हैं कुछ नहीं होगा, क्या पता कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लोगों का दिल धड़कता है लेकिन उस वक्त मेरा पेट धड़क रहा था मानो जैसे आग लग रही हो। सामने लिखा था कि फटने वाली है लेकिन उस पार क्या था मुझे ये भी जानना था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि क्रोम में जो भी गूगल अकाउंट्स लगे हुए हैं उसे पहले लॉग आउट करो। लेकिन लॉग आउट वगैरह करने के बाद मैंने अपने भाई को कहा कि यार अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने ये बोला मेरे देखते ही देखते भाई ने F4 बटन को प्रेस कर दिया और अगले 5-6 सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, मानो जैसे कंप्यूटर वहीं पर पॉज हो गया हो। ना कीबोर्ड चल रहा था और ना माउस। 5-6 सेकंड तक सब कुछ स्टॉप हो गया। लेकिन जब चला तो हमने उस डॉक्यूमेंट को देखा लेकिन उसमें कुछ नहीं था। व्हाइट कलर, एकदम खाली डॉक्यूमेंट। मुझे कुछ अजीब लगा। कुछ सेकंड्स तक पीसी ने काम करना क्यों बंद कर दिया था? तो मेरे भाई ने हंस के बोला कि स्पेस से यानी अंतरिक्ष से कॉस्मिक रेज आकर पीसी के सर्किट से टकराई होगी, शायद यही कारण होगा। कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर पर ब्लू स्क्रीन एरर भी आ जाता है, उसके पीछे भी काफी हद तक कॉस्मिक रेज का ही कारण होता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर टेक आइकॉन पर हमारे दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई है, जरूर देखना। आपका फ्लैगशिप फोन अचानक क्यों हैंग होने लगता है, इसके पीछे भी अंतरिक्ष जिम्मेवार है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो जब यह हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने टोर ब्राउजर पर खुले उस डॉक्यूमेंट को बंद किया और फिर टोर ब्राउजर को टास्क मैनेजर से एंड किया और पहले जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किए थे उन सबको मैंने शिफ्ट डिलीट किया और पीसी शट डाउन कर दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। शाम को मैंने कंप्यूटर ऑन किया, 1.5 घंटे तक काम किया और फिर बंद कर दिया। F4 वाली घटना तो मानो जैसे हम भूल ही गए थे। 9 अप्रैल 2023 रात के 1:11 मैं नेटफ्लिक्स पर अपनी मूवी एंजॉय कर रहा था। मूवी का नाम था द वुमन किंग। मूवी बहुत अच्छी थी जिसमें हमें औरतों की सैन्य शक्ति और लार्ज स्केल पर वॉर देखने को मिलता है। मैं उस मूवी में खोया हुआ था लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज मैं अपने हाथों से खो रहा था वो था हमारा ये चैनल। इंस्टाग्राम पर लोगों के DMs आने लगे लेकिन भाई तो बिंदास मूवी देख रहा था। फिर मूवी देखने के बाद मैं Amazon खोलकर बैठ गया, मुझे नहीं पता बस ऐसे ही फालतू में शॉपिंग करने लगा। DJI का ये 34-35 हजार का माइक भी मैंने उसी दिन ऑर्डर किया था, बस मुझे अच्छा लगा मैंने ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा और भी कई बेतुकी चीजें ऑर्डर कर दी। ऐसे करते करते बज गए 4:30। उसके बाद I don't know मैं बिना किसी वजह से बिना किसी मतलब से ऑफिस की तरफ जाने लगता हूं। दरवाजा लॉक था, खुल नहीं रहा था। मैंने रिसेंटली ही अपनी शादी के बाद ऑफिस के दरवाजे पर स्मार्ट लॉक लगवाया था जिसे मैं अपनी फोन की ऐप से या अलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑफिस के दरवाजे को मैं अपने फोन से ही लॉक कर सकता हूँ और अनलॉक भी कर सकता हूँ। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, नहीं खुला। पिन कोड लगाया, नहीं खुला। फोन की ऐप से ट्राई किया, फिर अलेक्सा को भी कमांड दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया। मैंने क्या किया कि मेरे ऑफिस में यहाँ पर एक CCTV लगा हुआ है और इसमें स्पीकर भी है। मैं इसकी ऐप से मैं अपने फोन के माइक से बोलता हूँ तो यहाँ पर स्पीकर से उसकी आवाज आती है। तो मैंने फोन के माइक से ऑफिस के अंदर आवाज पहुँचाने की कोशिश की क्योंकि इस ऑफिस में वहाँ पर एक और अलेक्सा पड़ी हुई थी। तो मैंने अपने फोन के माइक से CCTV के थ्रू अलेक्सा को बोला। अलेक्सा शुक्र है उसने सुन लिया था, उसकी लाइट भी ग्लो होने लगी थी। फिर मैंने बोला अनलॉक द ऑफिस डोर, लेकिन उसने आगे से मुझे जवाब दिया कि डोर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा ही कहा था मुझे याद नहीं है। फिर मैंने हार के फिजिकल की को ढूंढा और दरवाजे को अनलॉक किया। इस पॉइंट तक मैं सब कुछ इग्नोर कर रहा था, मैंने सोचा कोई दिक्कत आ गई होगी और मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस में जाकर यूं ही चेयर पर बैठ गया। सामने मेरे ब्रदर का लैपटॉप बैग पड़ा हुआ था, मैं उसे बस ऐसे ही देखने लग गया, बस ऐसे ही देखना चाह रहा था कि बैग में क्या है, क्या क्या है। और ये सब करते वक्त मेरे हाथ लग गई एक चॉकलेट। जैसे ही मैंने चॉकलेट को बाहर निकाला जोर से ऑफिस का दरवाजा खटका और मैं डर गया। मैंने बोला कौन, तो जवाब आता है मैं हूँ दरवाजा खोल। नाम नहीं बताया, बस बोला मैं हूँ। नॉर्मली हम घर में भी तो ऐसे ही करते हैं, हाँ मैं हूँ। तो मैं आवाज सुन के समझ गया कि हाँ वो मेरा भाई अमरेंद्र ही था। फिर मैं बोला आजा, तो उसने कहा दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये फिर से कैसे अपने आप लॉक हो गया। तो मैं पास गया, शुक्र है अंदर से दरवाजा अनलॉक हो गया। तो भाई साहब अंदर आए, अपनी आंखों को
ऐसे करते हुए और एक डरी सी आवाज में पंजाबी में बोले, ब्रो अपना चैनल हैक हो गया। तो उसके बाद मैं बकने लग गया कि ये साला उस F4 की वजह से हुआ है, बस ऐसे ही बकने लग गया वगैरह वगैरह। मेरे भाई की ढंग से अभी सुबह सुबह आंखें भी नहीं खुली थी कि मैंने लेक्चर शुरू कर दिया। ये जो भी आप CCTV में फुटेज देख रहे हो ये सब रियल है। अब इस पॉइंट तक आकर एक डर का माहौल बन गया था, मेरा भाई भी घबराया हुआ था। इस सिचुएशन में मैंने मजबूत बनने का फैसला लिया। मैंने अपने ब्रदर की पीठ पे हाथ रखा और बोला, फिकर ना कर, आपा चैनल वापस ले आवांगे। खैर मुझे तो पता था कि चैनल तो वापस आ ही जाएगा। फिर मैं भागा भागा नीचे गया और भाई के लिए नीचे किचन से कुरकुरे का पैकेट लेकर आया। सुबह सुबह का माहौल था, कुछ खाना भी तो था। लोगों के चैनल हैक होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, इधर कुरकुरे शुरकुरे खाए जा रहे हैं। मैंने वो कुरकुरे का पैकेट उसके टेबल पर रख दिया और मैंने कहा, खा मजे से खा, इसके बाद काम शुरू करते हैं, पहले इसे खाकर अपनी सुस्ती दूर कर, बाद में गूगल से बात कर लेना, चैनल वापिस आ जाएगा। तो भाई साहब ने ही वो की दबाया था F4, तो डोंट वरी, चैट करता रहे, बात करता रहे यूट्यूब से, बाकी वो पीसी तो किसी काम का नहीं रह गया। अब सुबह के 5:30 बज चुके थे तो चाय पीने का मन कर रहा था। इधर साला चैनल हैक हुआ है, इधर मजे से चाय पी जा रही है, वाह। तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया। वैसे तो वो राजपूताना फैमिली से बिलोंग करती है पर वो पंजाबी मेरे से भी अच्छी बोलती है। तो 5:30 बजे के आसपास मैंने उसे कॉल किया। सुबह सुबह मुझे इनका कॉल आता है और कहते हैं, गुड मॉर्निंग, उठ गए क्या? मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने कहा उठ जाओ, 2 कप चाय या कॉफी कुछ भी बना दो और ऊपर ले आओ। तो मैंने कहा आज इतनी जल्दी कैसे? फिर ये मुझे कहते हैं हमारा चैनल हैक हो गया है, डोंट वरी जल्दी ही वापस आ जाएगा, बस मम्मी को मत बताना, जब चैनल वापस आ जाएगा तब बता देना। तो मैं इनको जब चाय देने के लिए गई तो देखा ये आराम से अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहे थे। मैंने कहा चैनल हैक हुआ है, कुछ तो सीरियस हो जाओ। तो इन्होंने कहा चैनल छोड़ो, मैं ये पता कर रहा हूँ कि इस कंप्यूटर से वो चैनल के अलावा और क्या क्या चीजें ले गया। अभी बस चाय टेबल पर रखी ही थी कि मेरे भाई की वाइफ ऑफिस में आ जाती है। मैं अमरिंदर के पास जाके पूछती हूँ क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे उठ गए और आप इंस्टाग्राम पे बिटकॉइन की स्टोरी क्यों डाल रहे हो? बस यही वो पल था जब सबका दिमाग घूम गया, मतलब मेरा और मेरी वाइफ दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। मेरे ब्रदर का भी 6 घंटे पहले इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, पासवर्ड शायद ब्राउजर हिस्ट्री में थे। यूट्यूब चैनल के साथ साथ अब फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स को भी टारगेट किया जा रहा था। तो अमृत गुस्से से फूट पड़े। चैनल तक ठीक था, ओके नो प्रॉब्लम, पर ये साला हैकर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा था। बस फिर क्या था, मुझे अब चाहिए था बदला। तो मैं ट्विटर पर एक ट्वीट डालता हूँ और उसे टीम यूट्यूब को टैग करता हूँ। तो ट्वीट करने के जस्ट 30-40 सेकंड्स बाद उस ट्वीट के नीचे कुछ कमेंट्स आने लगे और सब अंग्रेज लोग थे जो कमेंट में लिख रहे थे कि इस -- बंदे से कॉन्टेक्ट करो, आपका चैनल वापिस आ जाएगा। एक बार के लिए तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये है कौन। फिर मैंने अमृत को कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल हैक किया है। आई नो गाइस, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, मैंने ट्वीट किया है चैनल हैक हो चुका है, आई नो, और मैंने ट्वीट किया है, उसके नीचे भी कमेंट्स गोरे लोगों के आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो सब लोग हैकर हैं। बदमाश आइकन का चैनल काफी भयंकर तरीके से हैक कर लिया गया। इसके बाद बदमाश आइकन एक और सीरियस इन्फॉर्मेशन दिए, आप खुद सुन लीजिए। यही है वो ट्विटर पर वो छपरी अंग्रेज लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि हमसे रिकवर करवाओ, वो करवाओ, ये सारे हैकर हैं साले। और फिर मैं इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालता हूँ, फिर तो मानो ट्विटर पर आप सब ने एक घमासान वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। यार दिल से आप सबका थैंक यू, इतनी जल्दी चैनल वापस आने का क्रेडिट आप सबको जाता है, लव यू गाइज एंड थैंक यू अगेन। हमने ट्विटर पर जो ट्वीट किया था उसके सिर्फ 8-9 मिनट बाद यूट्यूब खुद रिस्पॉन्ड करता है। टीम यूट्यूब ने नीचे कमेंट किया कि अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ है, हमने आपको पर्सनल DM किया है, आप जाकर अपना मैसेज चेक कीजिए, आप हमसे वहां पर जाकर पर्सनल बात कीजिए। तो मैंने ट्विटर के मैसेज में जाकर देखा तो आगे चलकर मेरी कुछ उनसे बातें हुई और फिर आगे चलकर उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा जिसे मुझे फिल करना था। वो फॉर्म मैंने अपने भाई को पकड़ा दिया, वो उसे भरने लगा, तो मैं आराम से चेयर पर बैठ गया। तो फिर जैसे ही मैं इधर उधर वैसे ही देखने लग गया, मुझे नहीं पता, मैं वैसे ही देखने लग गया, तो फिर मेरी नजर दीवार पर लगी हुई एक घड़ी पर पड़ी जिसे देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस वॉच के जस्ट बगल में लगा था यह शामी का CCTV कैमरा जो कि बार बार लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख रहा था और मेरी नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है कि तभी इस कैमरे ने खुद ब खुद
मेरी तरफ देखा। ये अपने आप मेरी तरफ हो गया और वही स्टॉप हो गया। उस वक्त मेरे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ गया और मैं सुन पड़ गया। वो क्यों? क्योंकि उस वक्त इस सीसीटीवी के थ्रू हैकर हमें कब से देख रहा था कि हम सब क्या कर रहे हैं। और जब मेरी नजर सीसीटीवी पर टिक गई तो हैकर को भी पता चल गया कि मैंने सीसीटीवी को देख लिया। तो उस हैकर ने सीसीटीवी को हिलाना बंद कर दिया। फिर मैं उठ के अपने भाई के पास गया। उसके कान में मैंने वो सीसीटीवी हिलने की बात बताई। अमृत ने मेरे कान में धीरे से बोला, ब्रो हमारे घर पे अटैक हुआ है, सुबह से कुछ अजीब हो रहा है। घर का दरवाजा, अलेक्सा, सीसीटीवी, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट स्विचेस, सब हैकर के कंट्रोल में है। बस उसने मेरे कान में इतना ही बोला और मैं खड़ा हो गया। हमने सारे सीसीटीवी की तार खींची, उसे बंद किया, अलेक्सा की भी तार खींच दी। शटअप। और फिर मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया। इन्होंने कहा अपने फोन का वाईफाई अभी बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई भी अपने फोन का वाईफाई ऑन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे होम नेटवर्क को हैकर्स ने हैक कर लिया है। होम नेटवर्क, आसान भाषा में कहें तो हमारा इंटरनेट राउटर। हमने जो राउटर लगा रखा है, हमने उसकी फायरवॉल को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ और कभी ख्याल भी नहीं किया, ध्यान में नहीं आया। अब ये फायरवॉल क्या होती है? सोचो आपकी अलेक्सा आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, अगर वो हैकर आपकी अलेक्सा को हैक कर ले तो वो आपके आईपी एड्रेस, रुको शॉर्ट में समझाता हूँ, हैकर अलेक्सा के थ्रू आपके राउटर पर कब्जा कर सकता है। वहीं अगर इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए जिसे हम फायरवॉल कहते हैं, तो हैकर आपके राउटर पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अलेक्सा तक सीमित रहेगा। लेकिन हमारे केस में अलेक्सा की जगह था हमारा कंप्यूटर और हमारी फायरवॉल भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसने मेरे कंप्यूटर से फायरवॉल को तोड़ के पूरे होम नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। घर में वाईफाई से जितनी भी चलने वाली डिवाइसेस थी उन सब पर अब हैकर का कंट्रोल हो गया था। ये वीडियो देखिए जो मैंने अपने आईफोन से शूट की थी। यकीन नहीं हो रहा तो नीचे डेट और टाइम देख लीजिए, 9 अप्रैल 2023 9:12। जब हमें ये चीजें पता चली तो हम राउटर को रीसेट कर रहे थे और उसके बाद हमने आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया। तो मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने भाई को कहा कि बहुत हो गया, ये साला हैकर वीडियो पे वीडियो डालता जा रहा है और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि यूट्यूब ने जो फॉर्म भेजा था वो कितना कंप्लीट हुआ। उसने कहा बस होने वाला है। फिर होती है हमारी और हैकर की फाइट। अब दूसरा चैनल जिसका नाम टेक आइकॉन है उसको भी तो बचाना था। बार बार ईमेल्स आ रहे थे, सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह वगैरह, और मैं हर 10 मिनट में उसका पासवर्ड चेंज करने लग गया। उस हैकर ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हमने हमारे टेक आइकॉन चैनल का छोटा सा बाल भी बाका नहीं होने दिया। और फिर तभी मेरा भाई मुझे आवाज लगाता है और कहता है, मैंने सारा फॉर्म भर दिया, बस तू रिव्यू कर। अमृत ने कहा तो रिव्यू छोड़, एंटर मार, बस F4 मत दबा देना। इधर हमने एंटर दबाया और उधर हैकर के लग गए, क्योंकि अब यूट्यूब ने चैनल को डिसेबल यानी फ्रीज कर दिया था। फिर हमें 10:29 पर यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आता है हमारे रिकवरी ईमेल पर, जिसमें यूट्यूब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपके गूगल अकाउंट को किसी हैकर द्वारा हाईजैक्ट किया गया था। साथ में उन्होंने एक लिंक भी भेजा था हमारे गूगल अकाउंट को रिकवर करने का। हमने बदमाश आइकॉन का पासवर्ड रिसेट किया और इंस्टाग्राम पर हंसते हुए स्टोरी डाली, वी आर बैक। डिलीट कर सारी वीडियोस, कर दे ऐसी की तैसी। सिर्फ 5 घंटों में हम हमारा चैनल हैकर के हाथों से छीन कर लिया। इसके बाद हमें पता चला कि वो हराम ज्यादा हैकर रशिया का था। अब क्लिक कर, साला कहां से हुआ था? ये देखो गाइस, रशिया, शर्म नहीं आती तुमको? या हैकर की पूरी टीम भी हो सकती है। ये भी हो सकता है हैकर ने VPN द्वारा रूस का सर्वर एक्सेस किया हो, हु नोज। हैकर ने सिर्फ 1-2 मिनट में सब कुछ चेंज कर दिया था। साढ़े 2 मिनट में ही हैक कर लिया सब कुछ, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चेंज किए, रिकवरी फोन डिलीट किया, रिकवरी ईमेल चेंज किया, रिकवरी ईमेल डिलीट किया, सिक्योरिटी की अपनी लगाई, बैकअप कोड भी अपने लगा लिए। ये इस वक्त मेरे हाथ में जो चीज पकड़ी हुई है ये क्या है? इसे कहते हैं सिक्योरिटी की। ये एक फिजिकल की है। इससे होता क्या है, मैं जब भी अपने YouTube चैनल को लॉगिन करता हूँ तो मुझे इसको PC में इंसर्ट करके अपनी उंगली को इसके ऊपर टच करना है और चैनल लॉगिन हो जाता है। अगर आपके पास ये सिक्योरिटी की है तो आपका चैनल हैक होने से बच जाएगा। लेकिन कुछ महीने पहले मुझसे ये सिक्योरिटी की गुम हो गई थी, तो मैंने इस की को अपने चैनल से हटा दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और जिस दिन हमारा चैनल हैक हुआ उस दिन थोड़ा सा ही ढूंढने पर यह साली मिल गई। फूटी किस्मत, शुक्र है ये हमारे दूसरे चैनल टेक आइकॉन पर लगी हुई थी, नहीं तो उसकी भी छुट्टी हो जाती। खैर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि बंद पड़े PC को 8 अप्रैल की रात को हैकर ने चालू कैसे किया और हमें कैसे पता चला
ये सब हुआ है। तो चलो पहले बताता हूँ कि हमें पता कैसे चला। तो जब हम ये वीडियो बना रहे थे, यही जो हमारा चैनल हैक हुआ है, तो हमें इस वीडियो में डालने के लिए सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। तो मैं 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की सीसीटीवी फुटेज पीसी में डालने लगा। उसी दौरान मेरी नजर इस घटना पर पड़ी। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हैकर ने पीसी को चालू कैसे किया, वो भी बिना हमारे इस ऑफिस में आए। देखो हैकर बड़ा शातिर था। उसे पता था जब पूरा घर स्मार्ट है, सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है, जैसे घर की लाइट्स, पंखे, अलेक्सा, एसी, सीसीटीवी, स्मार्ट स्विचेस, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि उसने मेरे वाईफाई यानी राउटर पर कब्जा कर रखा था और ये सारी चीजें राउटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हॉलीवुड मूवी चल रही हो। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब आगे सुनो गाइज। मैंने अपना पीसी स्मार्ट सॉकेट से कनेक्ट कर रखा था। मैं अलेक्सा को जब भी बोलता हूं अलेक्सा टर्न ऑन पीसी, तो वो उसे चालू कर देती है। तो हैकर ने शायद अलेक्सा के थ्रू मेरे स्मार्ट प्लग को कमांड दी होगी, या कुछ और भी हो सकता है, और इस कमीने सॉकेट ने पीसी चालू कर दिया। अब आप पूछोगे कि पीसी चालू करने पर पीसी पर लगा ये बटन भी तो प्रेस करना पड़ता है। गुड क्वेश्चन। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं हूँ आलसी बंदा, तो मैंने क्या कर रखा है, इस बटन को मैंने बिल्कुल अनाथ कर दिया है और डायरेक्ट पावर सप्लाई से जोड़ रखा है। मेरा एक दोस्त इंजीनियर है, उसी ने ये जुगाड़ करके दिया, पता नहीं कैसे किया है पर कर दिया। आप भी करवा सकते हो या घर पे इसे आप खुद कर सकते हो, पर मत करवाना, मैं तो पछता रहा हूँ, आप भी पछताओगे। अब एक मजे की बात बताता हूँ। चैनल तो हमारा वापस आ गया था, लेकिन मेरा पीसी अभी भी हैकर के कब्जे में था, और हैकर ने किया था मेरे साथ बुरा, और उसने मेरी फैमिली मेंबर को भी काफी तंग किया था। मतलब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा था। अब था मेरा टाइम और मुझे बदला चाहिए था, तो मैंने भी हैकर की ईगो हर्ट कर दी। पता है कैसे? तुम्हारे बदमाश भाई ने कर दिया एक बदमाशी वाला काम। मैंने अपना पीसी चालू किया जो कि हैकर के कब्जे में था, उसकी डिस्प्ले पर लगा दिया एक वॉलपेपर, जिसे देख हैकर की माँ बहन एक हो गई होगी। पता है वो वॉलपेपर कौन सा था? यह मिडल फिंगर वाला तोहफा मैंने हैकर को आप सब की तरफ से भेजा था। हमारा पीसी अभी भी हैकर के कब्जे में है, तो उसके लिए मैंने इंटरनेट ऑन कर दिया है और उसके लिए एक संदेश लगा दिया वॉलपेपर पर। देखिए ध्यान से, जब हैकर यह देखेगा ना, उसकी पतलून गीली हो जाएगी। चलो अब मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूँ, जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ऑफिस का दरवाजा लॉक हो गया था और मैं ऑफिस के अंदर नहीं जा पा रहा था। उसका कारण था, बताने की जरूरत नहीं, शायद आपको पता है।